कनेक्टिंग लेट हो रहा है, क्या दिक्कत है? अलग टाइप से बात करूँगा,
सेकंड सेट में मेरा हिस्सा ले लिया और हिस्सा में पॉइंट का काम से आएगा तो सेकंड सेट में भाई का मेरा एक साथ भी आ गया और के साथ क्या गया और आ गया उनके साथ क्या गया भाई का उनके साथ क्या गया बस बोलो बस बोलिए कि मैंने आपको सेकंड वाले का तो फर्स्ट वन ऐसा है इसका मैं प्ले और सेकंड वाला ऐसा तो मान लीजिए उनके साथ हुआ गया उनके साथ किया गया उनके साथ पूरा गया उनके साथ फाइव आ गया उनके साथ सिक्स आ गया एग्जाम में आपको क्वेश्चन है आगे ठीक है तो अब मैं कुछ ले लेता हूं बी के साथ कर लिया मैंने बी के साथ कर लिया ऐसे देखो बी के साथ बी के साथ फोर बी के साथ फाइव बी के साथ सिक्स तीनों को ले लेता हूं फोर के साथ वन फोर के साथ टू फोर के साथ थ्री फोर के साथ फोर फोर फाइव फोर सिक्स हम फाइव के साथ करूं फाइव के साथ वन फाइव के साथ टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स हम लास्ट का करते हैं इसकी लास्ट को इवेंट में है तो कैसे होगी लास्ट में सिक्स के साथ वन लिया सिक्स के साथ टू लिया थ्री लिया फोर लिया फाइव लिया सिक्स के साथ टोटल इवेंट कितने हो गए टोटल इवेंट कितने हो गए 36 तो मतलब more than four.
से जो अधिक है उसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। हमने फॉर्म में क्या रहा, प्रॉपर्टी रहा नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट। ये तो सर, तो देखो अपने पास टोटल कितने हैं, 6 है ठीक है सर, अपने पास टोटल कितने हैं 6 है। ये कह रहा है मोर देन 4, मोर से अधिक कितनी है 5 और 6 है, तो है ना। अब वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल टोटल कितने हैं मास 6 है, नीचे 6 आ गया। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट बचे बोल रहा है मोर देन 4, 5 और 6 है तो कितनी है 2 है, 2 और 6 और 1 कितने हैं ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ए पॉइंट इज क्लोज ट्वाइस, पॉइंट है 2.2 साइड से कर लो, दो पॉइंट का पास बोला ट्वाइस क्लोज कर लो ठीक है। बात हो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल फोर टाइम्स, फोर टाइम्स से जाना तो टेल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ठीक है सर। अब देखो मैंने आपको बताया अपने पास पॉइंट की बात करते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था
प्रॉपर्टी होने की फायदा और प्रॉपर्टी नहीं होने की फायदा का असर कितना होता है एग्जाम में आया है कुछ ऐसा अंदर का पहले क्वेश्चन से ऐसा है अब क्वेश्चन दे रखा है प्रॉपर्टी होने की 0.065 क्या है अपन को तलवार के मुक्ति से प्रॉपर्टी ऑफ नोड के ए के नहीं होने की फाइनल हमको निकालनी है ए के नहीं होने की प्रॉपर्टी में ए इसकी वैल्यू ना वैल्यू करते से फॉर्मूले में करते पी ए इक्वल टू कितने की प्रॉपर्टी में करते हैं 0.65 इसमें 0.65 हो गया प्लस पी बी ए इक्वल टू आया आपको ये निकालना है तो इसके साथ क्या हो 1 माइनस 0 दिया आएगा आई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 में पहला ऐड करते हैं चल ताली ए डाइस इज कवर ट्वाइस एक डाइस है तो आगे वो क्वेश्चन नंबर है और ए डाइस इज कवर ट्वाइस व्हाट इज द टोटल लेंथ द सम ऑफ द फेस इज 9 एंड अब तो अपने पास हम एक आयतन के पास बनाई देंगे ठीक है सर अपन को देखो पूरे ऐसे अपन को तो नोट करते हैं तो अपने पास कितने यूनिट बनते हैं टोटल टोटल यूनिट बनते हैं जितने आगे गए हैं आपके मन के साथ मन आता है मन के साथ मन आता है मन के साथ क्या पाएं मन के साथ क्या आया मन के साथ पाया मन के साथ मन के साथ अगर मैं बुक पाल लूँ मन के साथ मन ऐसा कर मन का केस तो करना आपने एग्जाम के साथ आया कर दूँगा मन के साथ क्या आ गया मन के साथ क्या आ गया मन के साथ क्या आ गया मन के साथ पाया आ गया मन के साथ क्या आ गया इसी बात है त्रिमान टू थ्री थ्री फोर थ्री फाइव four one, four two, four three, four four, four five, four six, five one, five two, five three, five four, five six, six one, six two, three, four, five, and six. अब हम क्वेश्चन क्या करते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ द फेसेस अब हम क्वेश्चन निकालना है होम में क्या अपना फार्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर का ठीक है सर सबसे पहले हम लोग इसमें अपने आपके पास सेट रहता है यानी कि सम नो होने की प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं तो नो होने की प्रॉपर्टी सम नो की क्या मतलब है देखो देखो ये देखो ये क्या है 62 के बराबर 6 और 3 9 5 और 3 9 4 9 4 5 9 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
और सेट के जो है आपका सन लाइन हो रहा है 1 2 3 4 प्रोनिशन ऊपर हो एंड 6 जगह बना हुआ है सेकंड है उसी निकाला सेकंड वाला है उनका सन मान सेट का सन कितना है 13 हो से सेट का सन 13 की स्क्वायर है और मैक्सिमम कितना है आपका प्लस 12 है तो अपने पास मतलब क्या टोटल नंबर 13 6 है और सन